राजस्थान राजे रजवाड़ों का प्रदेश है, लेकिन आजादी के बाद कई रियासतें सियासत की तरफ बढ़ चली। उन्हीं रियासतों में से एक रियासत की राजकुमारी हैं दिया कुमारी। दिया कुमारी ब्रिगेडियर भवानी सिंह की बेटी हैं और गायत्री देवी की पोती। लोकसभा चुनाव में जयपुर के राजघरानों में यह संयोग ही है कि पहला चुनाव ब्रिगेडियर भवानी सिंह हार गए थे, लेकिन उनकी बेटी दिया कुमारी ने पहला चुनाव लड़ा और जीत गई। इस बार के लोकसभा चुनाव में राजसमंद से भाजपा प्रत्याशी हैं दिया कुमारी। ओवरऑल आपको क्या लग रहा है और ऐसा प्लस पॉइंट आपको क्या लग रहा है जिसकी वजह से आप एश्योर हैं कि आप ही जीतेंगे? बिल्कुल, मेरा प्लस पॉइंट है मोदी जी का नेतृत्व। जिस तरह उन्होंने देश को सशक्त बनाया, एक मजबूत राष्ट्र की तरह हमारा देश आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जिस तरह से 5 साल उन्होंने काम किया, यही मेरा बेस है और इसी की वजह से हम लोग चुनाव जीतेंगे। और मैं कहूंगी कि राजसमंद में बहुत ही मोदी जी की लहरी नहीं, मोदी जी की आंधी थी। हर एक व्यक्ति चाह रहा था कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना ही बनाना। आलीशान महलों में रहने वाली दिया कुमारी से ये जानना भी जरूरी था कि वो अपने प्रदेश में जनता की सेवा कैसे करेंगी। जनमानस में एक सवाल उठ रहा है कि क्या आप जनता में वो सेवा दे पाएंगी बतौर सांसद या बतौर नेता एक राजघराने की होकर? किस तरीके से उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरेंगी? मैं वहां पर विधायक थी और जितना मुझसे हो सका मैंने काम किया। और आपने, पता नहीं शायद आपको मालूम है या नहीं, लेकिन मेरे इस चुनाव में पूरा सवाईमाधोपुर आ गया था मेरे प्रचार के लिए, तो कुछ ना कुछ तो वो भी दिखाता है ना। यहाँ पर मैं पूरी तरह से, क्योंकि एमपी का और एमएलए के काम में फर्क होता है, जितने भी स्थानीय काम हैं, जो लोकल इश्यूज हैं, मैं एमएलए पे ही छोड़ूंगी, उसमें मैं इंटरफेयर ज्यादा नहीं करूंगी जब तक कि एमएलए ना चाहें कि मैं इंटरफेयर करूं। उसके बाद जितने भी उनके केंद्रीय सरकार के काम है डेफिनेटली मैं करूंगी। क्षेत्र में भी जितना हो सकेगा उतना टाइम भी दूंगी, कार्यालय भी खोलूंगी, एक रेजिडेंस भी होगा मेरा वहां। मैं तो अपनी तरफ से पूरा फोकस मेरा राजसमंद की जनता का वेलफेयर रहेगा और काम रहेगा। महलों में रहने वाली दिया कुमारी चुनावी समर में गांव खेत खलियानों की पगडंडियों पर खूब पसीना बहा रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस राजघराने की राजनीति में मजबूत एंट्री के लिए मोदी के नाम के ही सहारे की जरूरत है। अब मोदी मैजिक वाकई में कितना करिश्मा दिखाएगा ये 23 तारीख को पता लग जाएगा। विनोद शर्मा के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर।